नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अंक ज्योतिष से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो कुछ एक सारणी है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना ली है, जिससे हमारा समय बचे, इस वीडियो को बनाने का समय बचे। और इस सारणी के अंदर अल्फाबेटिकली कुछ नंबर्स आगे शो किए गए हैं, यानी कि ए के आगे शो किया गया 1, बी के आगे 2, सी के आगे 3। लेकिन ये ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे, एफ के बाद 6 है तो जी के बाद 3 आ रहा है और एच के बाद आ रहा है 5। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ABCD जो है यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद हम 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके अंदर कुछ अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग कौन सा जो वर्ड है उसमें कौन सा जो अंक है वो मैच खाता है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने चार्ट बनाया। और ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो नाम है उस पर आपके जो सितारे हैं, आपकी जो सिचुएशन है वो प्रॉपर नहीं बन पा रही है सितारों की, यानी कि आपके जो नाम है वो न्यूमरोलॉजिकल यानी कि अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा है, तो आप अपने नाम को थोड़ा सा बदलेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, काफी अच्छे आपको शानदार रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसे हम हमारे नाम को थोड़ा सा परिवर्तित करें और परिवर्तन के साथ ही कैसे हमको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, इसके बारे में मैं आपको एक लाइव डेमो अभी देने जा रहा हूं। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से आपको क्लियर करने जा रहा हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर 12 मई है। तो ये मेरा मूलांक है, मूलांक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। मूलांक जन्मांक जो भी है वो कैसे निकालते हैं, ये 12 मई है तो इनको दोनों को प्लस कर लीजिए। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 3, यानी कि मेरा जो मूलांक है, मेरा जो जन्मांक है वो है 3। अब इसके बाद अगर एक और मैं एग्जाम्पल लू, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 29, तो इन दोनों को आप टोटल कर लीजिए तो ये आएगा 11, और इन दोनों को वापस आप टोटल कर लीजिए तो ये आएगा 2, यानी कि सामने वाले का जो मूलांक है वो है 2। तो अब इसी प्रैक्टिकल, इसी डेमो से आपको अपना जो है वो मूलांक निकालना है, यानी कि सिर्फ आपकी जो जन्म तारीख है उसे प्लस कर लीजिए, फिर जो टोटल है उसको वापस प्लस कर लीजिए। अगर डायरेक्टली आंसर मिल जाता है तो गुड है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसको वापस प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका मूलांक क्या है। और इन इस मूलांकों के ऊपर मैं आपको अभी फ्यूचर में और वीडियो बना दूंगा कि भाई ऐसे लोगों को किस बारे में सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को किस फील्ड में जाने चाहिए, इनके लिए कौन सा शुभ रत्न है, कौन सा रत्न ये धारण करें। तो सभी मूलांकों के ऊपर, सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। और जो भी मूलांक आपके ऊपर सेट होता है, जो भी मूलांक आपके ऊपर मैच होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने लाइफ के अंदर थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कोई भी अटके हुए जो काम है आपके, वो जो रुकावटें हैं वो लाइफ में से आपके खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं हम कि हमारे अंग, हमारे जो नाम है उसको कैसे चेंज करें। अब एग्जांपल के लिए मेरा नाम है अमित शर्मा, ये ही मेरे डॉक्यूमेंट में नाम है और इसी नाम को मैं यूज करता हूं। अब इस नाम को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो मेरे अंक ज्योतिष से वो कैसे मैच होगा वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। ए के आगे वर्ड आ रहा है 1, एम के आगे यहां पर वर्ड आ रहा है 4, आई के आगे यहां पर जो वर्ड है ये मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये आई के आगे आ रहा है हमारे 1 और टी के आगे यहां पर आ रहा है 4। ये मैंने सारे अंक जो वर्ड्स के अकॉर्डिंग है वो यहां पर लिख लिए। अब जो शर्मा है उस शर्मा के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर इसमें यहां पर आ रहा है 3 और यहां पर आ रहा है एच के अंदर 5, ए के अंदर वापस 1, आर जो है आर के अंदर आ रहा है हमारे 2 और एम के अंदर जो है हमारे वो आ रहा है 4 और ए के अंदर आ रहा है हमारे 1। अब इन सबको हमें टोटल करना है, इन सबको हम टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल क्या आने वाला है, कैलकुलेट करते हैं इसको हम। देखिए 4, 7, 8, 8, 5, 13, 16, 20, 21, 25, 26, यानी कि इसका टोटल आ रहा है 26। ठीक है, वापस एक बार मैं इसको टोटल करके देख लेता हूं, ये हो गया हमारे 26 को वापस प्लस कर लेते हैं हम तो ये आएगा 8। देखिए मेरा जो जन्मांक है वो है 3 और यहां पर इसका टोटल आ रहा 8। ये कभी भी मेरे जो नाम से है वो मैच नहीं होगा, मुझे इस नाम से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें नाम तो यही है लेकिन मुझे इसके कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। मेरी लाइफ में हरदम चैलेंजेस, हरदम संघर्ष रहे, हरदम मेरी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ
उतार चढ़ाव चलते रहे, लेकिन जो मेरे सपने थे, जो मेरे ड्रीम्स थे जिन्हें मैं पूरा करना चाह रहा था, उसमें मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। क्योंकि जो 8 अंक है वैसे वो शनि का अंक है, और ये जो 3 अंक है ये है बृहस्पति का अंक, यानी गुरु का अंक, तो दोनों का आपस में यहाँ मैच नहीं हो रहा था, और उसी कारण से मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। अब मैंने अपने नाम को थोड़ा सा चेंज कर रखा है, आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो मैंने अपना नाम रख रखा है अमित कूदवाल। एक्चुअली कूदवाल हमारी गोत्र है, और उस गोत्र को मैंने यहां पर यूज करा है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मैं इस नाम से अपना चैनल चला रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। मेरा चैनल इतनी स्पीड में ग्रोथ कर रहा है कि इंडिया के जो टॉपेस्ट यूट्यूबर हैं उनके चैनल के पैरलर ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, और मतलब बहुत तेजी से ये चैनल ग्रो हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ नाम जो न्यूमरोलॉजी है उसको मैंने हल्का सा चेंज करा, और उसमें मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गया। अब इस नाम के अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ, 1414 ये कॉमन है। अब कूदवाल के लिए मैं इसको प्लस करके देख लेता हूँ, भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा हमारे 4, यहाँ पर आएगा हमारे 6, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आने वाला है हमारे 3। अब इसे हम टोटल कर लेते हैं, देखिए ये आ रहा है 32। अब मैं इसको टोटल कर लेता हूँ वापस, ये आ रहा 32। अगर मैं इसे प्लस करता हूं तो ये आता 5। 5 है गणेश, गणेश जी जो भगवान है हमारे, उनका मूलांक है। और ये जो है 5 अंक टोटल इस नाम का, वो 3 अंक का फ्रेंड है, यानी दोस्त है, यानी कि मुझे इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलने हैं, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। अब आप कोशिश कीजिए अपने नाम में कुछ ऐसा चेंज करें कि वैसे तो वो बिल्कुल सटीक मूलांक से ही चेंज हो जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उसके जो फ्रेंड हैं, उनके जो दोस्त अंक हैं, उन पे मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा तो आप उससे भी मैच करके देख सकते हैं कि अगर आपका मूलांक 2 है तो आपके जो दोस्त अंक हैं यानी कि आपके मित्र अंक कौन कौन से हैं, और उससे भी अपने नाम को आप चेंज करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने एक आपको प्रैक्टिकल डेमो दिया है कि किस तरीके से आप अपने नाम का जो है वो मूलांक निकाल सकते हैं, और उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप मैच कर सकते हैं। इसी तरीके से आप, ऐसा नहीं है कि ये दुकान आपने जो है खुद के नाम में कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जो शॉप है अगर उसका नाम रख रहे हैं तो आप उससे मैच कर लीजिए उसको, या फिर कोई भी आप XYZ मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी भी आप खरीद रहे हैं और उसका भी आप टोटल करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर भी आप अपना जो व्हीकल है उसके अंदर भी आप गाड़ी का टोटल करके अपने मूलांक से मैच कर सकते हैं, उसके भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जहां पर हमें मतलब किसी जानकार की आवश्यकता होती है, तो वहां आपको यहाँ पर किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इस जो मैंने आपको यहाँ पर सारणी बना के दी है, सारणी से आप मैचिंग कीजिए उन वर्ड्स को, और उसकी टोटल कीजिए, और अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको मैच कीजिए। अगर वो मैच हो जाती है तो आपको काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अब ये जो यहाँ पर मैंने सारणी बनाई है, ये अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर जो अपने जो प्रोफाइल ऑप्शन है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है इसके अंदर, इस चैनल के इसी पेज के ऊपर, उसमें मैं ये पूरी सारणी मेंशन कर दूंगा, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वर्ड्स हम नोट करें, नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नोट कर सकते हैं आप। वो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, फिर वहां से इसको किसी पेपर पर लिख के आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब आप कुछ भी अगर चेंज करके कुछ इस तरह का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेंगे। अब एक और मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं, मान लीजिए किसी का नाम है संदीप। अब एक एग्जाम्पल के लिए इसका टोटल आया, मैं एक डेमो, मैंने इसका टोटल करा नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका जो जन्मांक है वो 4, ठीक है, और अब मैं इसका टोटल करने जा रहा हूं, इसका टोटल करते हैं हम, वो मिलता है हमें 3, एक उदाहरण के लिए। अब वो 3 4 से मैच नहीं हो रहा है, अब आपको इससे मैच करना है, तो मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस वर्ड के अंदर कुछ ऐसा चेंज कर दीजिए, ऐसा वर्ड को हल्का सा बदल दीजिए, जैसे ये DPP है इसको आप कर दीजिए आई, यहां से ई भी हटा दीजिए, यानी आप इस नाम को लिखना स्टार्ट कीजिए संदीप इस तरीके से। सिर्फ आपको ये विजिटिंग कार्ड्स है और कहीं भी आप मान लीजिए सिग्नेचर कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का सिग्नेचर यूज कीजिए जिसमें आई बने DEE की जगह, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, आप बैंक और डॉक्यूमेंट्स में इसको चेंज करा सकते हैं। और इस तरीके से आप हल्का फुल्का अपने नाम में चेंज करें,
अपने मेन डॉक्यूमेंट में चेंज करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो ऑलरेडी चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करने की बात कर रहा हूं, मैं आपकी रूटीन लाइफ के अंदर आप इस वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कि आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मुझे साइन करना है जो इस वर्ड में आई के थ्रू करना है, और मुझे अगर किसी से बात करनी है या कुछ भी, आप कहीं भी अपना नाम लिखकर मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने अपने मोबाइल नंबर लिखे और मैंने अपना नाम लिखा, तो आपको इस स्पेलिंग को यूज करना है। तो जब जैसे जैसे लाइफ के अंदर आप इस स्पेलिंग को यूज करेंगे, तो यहां पर इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो अंक के जो ग्रह हैं वो आपके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का डेमो आप मेरे कहने से सिर्फ 21 दिन कीजिए, 21 डेज एक्चुअली जो आप ये डेमो करेंगे इसका रिजल्ट आपको 21 दिन में मिलेगा। 21 दिन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 21वें दिन के बाद आप मुझसे बात कीजिएगा और इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछेगा। अभी वैसे तो मैं जितने भी जो अंक है 1 से लेकर 9 तक उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और उन वीडियो से आप ये भी पता कर सकते हैं कि भाई आपके फ्रेंड अंक दोस्त अंक कौन कौन से हैं। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। आपकी लाइक करी गई वीडियो इस वीडियो को आगे लेकर जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगी और उनकी हेल्प हो पाएगी। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर भी करें, और अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कमेंट अगर आप मेरे को इस वीडियो में करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे वीडियो चैनल पे आपको कहीं भी, वैसे इतनी स्पीड में आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। और एक और मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग मुझसे कमेंट के अंदर अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे हैं, तो पर्सनल बात शेयर करने के लिए वैसे तो देखिए मैं इतना समय आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं यूट्यूब पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको आंसर दे दूंगा और उससे ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी अगर बहुत ज्यादा पर्सनल बात है तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, उस पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जो ऐसी कुछ बातें जो हम नहीं चाहेंगे पब्लिक में शेयर हो, तो वो बात आप मेरे से पर्सनली भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।